आज करगिल में विजय दिवस शस्त्र प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सेना ने करगिल विजय दिवस से पहले करगिल में मेक इन इंडिया धनुष होविट्जर के साथ बोफोर्स होविट्जर का प्रदर्शन किया। जिस इक्विपमेंट के बारे में बताया जा रहा है उसका नाम 155mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम है, जो कि 155mm 39 कैलिबर बोफोर्स गन सिस्टम का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर पूरी तरफ से मेक इन इंडिया के तहत में गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाया गया है। इस गन का फुली ऑटोमेटिक है, ये सेल्फ प्रोपल्ड कैपेबिलिटी भी रखते हैं। हमारे सामने जो लेफ्ट साइड में गन लगी है ये 105/37 इंडियन फील्ड गन है, और राइट में जो लगी है 105/37 लाइट फील्ड गन है। इन दोनों गन्स का रेंज लगभग सेम है, 15 किलोमीटर से अबव फायर करती है, और इनका वेट में डिफरेंस है, मेन डिफरेंस इनका वेट में है, और वेट में इसका 3000 केजी से अबव है और इस गन का 2000 केजी से अबव होता है। और इन दोनों गन्स में ये जो लाइट फील्ड गन है इसको हम क्या कर सकते हैं, हेली के द्वारा कहीं भी लिफ्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके में क्या है कि हम इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कोई और गन को, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, हेली के द्वारा कहीं भी जाके यहाँ से लिफ्ट करेंगे और कहीं भी जाके ड्रॉप करके वहाँ से फायर कर सकते हैं। कार्यक्रम में कई अन्य हथियार जैसे हथियार का पता लगाने वाले रडार स्वाति, रॉकेट लॉन्चर, लाइट फील्ड बंदूकें और सेना के अन्य हथियार प्रदर्शित किए गए। यह प्रदर्शन कारगिल युद्ध की 24वीं वर्षगांठ के आसपास हो रहा है, जहां बोफोर्स ने पाकिस्तानी सेना को हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी बहुत अच्छा डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, हमारे लिए बहुत एजुकेशन, हमें अच्छा एजुकेशन मिल रहा है कि कैसे हमारी आर्मी काम करती है, कैसे वो चीज़ों को ऑपरेट करती है, वो सब हमें देखने में मिल रहा है यहाँ पे, और हम उससे बहुत खुश हैं कि हमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है आर्मी की तरफ से, और हमें सीखने को भी मिल रहा है कि ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं बैटल में, कैसे ये लोग आगे फॉरवर्ड जाते हैं और कैसे दुश्मन को मार गिराते हैं, वो सब हमें पता चल रहा है। आज जो विजय दिवस के शस्त्र प्रदर्शन जो नौस आर्मी के बारे में जो उन्होंने आज इंडियन आर्मी जो यहाँ पर आज शोकेस किया, शो दिखा, वेपन्स का जो दिखा, वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। अक्सर जो जब से वार हुआ हमने से वार के बारे में सुना है, वेपन्स के बारे में सुना, बात हमने प्रैक्टिकली देखा कि किस तरह के जो वार्स बफर्स होते हैं, किस तरह की गन्स या जितने भी जो भी आर्मी के पास है जो भी वेपन्स होते हैं उनको आज प्रैक्टिकल देख के बच्चों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, बहुत अच्छा भी लगा। कह रहा बच्चे भी कह रहा था कि ऐसा देखने को पहली बार मिला है, ऐसा इसे देखने मिलता है, देखने से हमें पता चलता है कितना हमारे इंडियन आर्मी जो कितना एडवांस है, इसके पास कितनी अलग अलग टाइप के जो वेपन्स है और किस तरह के मशीनरी से और किस कौन कौन सा ऐसे चीज़ें होते हैं या वेपन्स होते हैं या टूल्स होते हैं जो वार में यूज़ हुआ है। ऐसा जो इवेंट अभी यहाँ पे चला है वो हर साल होना चाहिए, क्योंकि अभी सारे बच्चों को एक्सपोजर भी हो रहा है, उन सबको मिल रहा है एक्सपोजर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे बच्चे आए हैं दूर दराज के इलाकों से, गाँव से भी आए हैं, बच्चों को देखने को मिल रहा है कि हाँ इंडियन आर्मी इस तरह से काम करते हैं।
बता दें कि यह करगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है और इसी दिन हर कोई भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि देता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई पहाड़ी ऊंचाइयों को फिर से हासिल करने में भारतीय सेना की जीत का प्रतीक है कारगिल युद्ध।